Okay, so I think this is new and people are not aware of it. So if you have a girl child 9 to 14, so you can go for the Yeah, vaccination. and it's recommended in 9 to 14 years age group, but it up to 40, Okay. anyone or everyone should have it. So मैम, secondly हमारे पास कुछ questions हैं, so I will be asking you common questions. So like कौन से ऐसे common types हैं कैंसर के जो जिनका लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए? इफ यू लुक एट द ग्लोबोकन डेटा, या जो कि आपकी जो कैंसर की जो बॉडी है जो मॉनिटर करती है कि किस कंट्री में कौन सा कैंसर ज़्यादा है, और इवन हमारे इंडियन आई से हमारा डेटा जो है उसके हिसाब से जो पुरुषों में हमारे यहाँ पे ओरल कैंसर यानी कि माउथ का या गले का कैंसर, माउथ कैंसर बेसिकली, एंड लंग कैंसर, दीज आर टू वेरी कॉमन कैंसर्स. एंड सिमिलरली फीमेल में सर्विक्स कैंसर या सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर, दे आर मोर कॉमन. सो इफ यू लुक एट ओवरऑल देन ओरल कैंसर इन मेल्स इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर. तो जो और ये इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो तंबाकू खाने की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर. सो एवरी वन शुड बी अवेयर कि आपका क्या रिस्क फैक्टर है जिस कैंसर की हम बात कर रहे हैं. इन जनरल टोबैको जो कि कई फॉर्म्स में होता है, स्मोकिंग के फॉर्म में, च्यूड फॉर्म में, वो सिर्फ ओरल कैंसर या माउथ कैंसर ही नहीं, लंग का कैंसर भी करता है, और भी बॉडी में जितने भी कैंसर हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर लिंक्ड टू टोबैको. सिमिलरली गोज़ विद अल्कोहल. सो एवरी वन फर्स्ट ऑफ ऑल शुड बी अवेयर दैट स्मोकिंग, च्यूइंग टोबैको, ड्रिंकिंग अल्कोहल, दे आर बैड थिंग्स, दे शुड नॉट बी कंज्यूम. यू शुड नॉट बी नो काइंड ऑफ गेट एडिक्टेड टू दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. एंड येस अगेन फॉर लाइक फीमेल्स सर्वाइकल कैंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो एवरी वन शुड बी अवेयर अबाउट द सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, क्योंकि अब हमारे पास एक प्रिवेंटिव वैक्सीन है जो कि हम अपनी बेटियों को अगर अभी से जो उनकी राइट एज है उस पर दें तो दिस कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल बिकॉज इट्स अ मेजर प्रॉब्लम इन आर कंट्री. अगेन ब्रेस्ट कैंसर, सो वी शुड बी अवेयर वॉट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर यू नो दीज कॉमन कैंसर्स. And ma'am, what is the age for this vaccination? Yeah, so 9 to 14 years, okay. It is recommended that girls should have it. So it can cure, like it can prevent cancer? It can prevent cancer, cervical cancer, and also the most, helps in preventing the infection, which are the virulent form, okay. jo ki cervical cancer kehte hain. So definitely it is helpful. Okay, so I think this is new and people are not aware of it. So if you have a girl child 9 to 14, so you can go for the vaccination. Yeah, and it's recommended in 9 to 14 years age group, but it up to 40, okay. anyone or everyone should have it. So usually it is more effective when you start in this age, but because this is we are not even aware, so it is recommended even everyone, all the ladies who are in the reproductive age group, they should have it. Okay, you have to take it. Also, ma'am, I have that question that what are the symptoms of cancer? Yeah, so again, so cancer is basically abnormal growth of tissue. तो कैंसर के सिम्टम भी इस पर डिपेंड करते हैं कि आपको कहाँ का कैंसर हो रहा है. जैसे क्योंकि मैं एक हेड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं हेड नेक कैंसर की अगर बात करूँ तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं दे मेनली कंप्लेन ऑफ अल्सर. अब ये टंग में है तो ऑब्वियसली छोटा अल्सर है तो वो सिर्फ पेन वगैरह कुछ नहीं करता, लेकिन ब्लीडिंग हो सकती है या कुछ भी सिम्टम नहीं हो सकता है, बस एक छाला पेशेंट जो है वो कहते हैं कि हमारे एक छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है. दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर फॉर सिम्टम फॉर द माउथ कैंसर. अब जैसे अगर आपका जबड़े का है तो वहाँ पे हो सकता है कि दांत हिलने की तरह से वो प्रेजेंट करे. सिमिलरली अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो एक पेनलेस गांठ की तरह से वो, यानी कि एक छोटी सी गांठ जो बस फील होती है लेकिन उसमें कोई पेन नहीं होता है, वो जो है उसके साथ प्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली जो आपका सर्वाइकल कैंसर है उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, यू नो, सो इट वेरीज वेयर योर कैंसर इज़. अगर हम बात करें कैंसर प्रोग्रेशन की, सो क्या क्या स्टेजेस होते हैं और किस स्टेज पे अगर हमने उसको समझ लिया कि हाँ कैंसर हो गया, लाइक डॉक्टर्स ने समझ लिया, तो वो क्योर हो सकता है? यस, बहुत ही एक्चुअली आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ऐसा लगता है कि एकदम अचानक से कैंसर हो गया, बट ऐसा नहीं होता है. इट डज़ नॉट हैपन ओवरनाइट.
कहीं ना कहीं हमारी बॉडी हमें सिग्नल दे रही होती है कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन, एंड इफ़ यू पिक अप एट दैट टाइम देन यस अ लाइफ कैन बी सेव्ड. सो फॉर एग्जाम्पल आई वुड से ओरल कैंसर या माउथ कैंसर या किसी भी कैंसर जो भी बॉडी में होता है, मोर और लेस दे गो थ्रू सर्टन स्टेजेस. जैसे पहले एक स्टेज आती है प्री कैंसर स्टेज, जिसको हम कहते हैं कैंसर से पहले वाली स्टेज, यानी उस स्टेज पे अगर हम ट्रीटमेंट कर लें तो हम कैंसर से कंप्लीट बचाव कर सकते हैं. उसके बाद फिर अगर प्री कैंसर स्टेज पे ट्रीट एक्शन ना लिया जाए तो देन इट कैन कन्वर्ट इनटू फुल ब्लोन कैंसर. उसमें अगेन स्टेज वन होती है जिसमें छोटा साइज होता है, जिस एरिया में अराइज होता है वहीं पर लोकलाइज रहता है. स्टेज टू में थोड़ा सा और प्रोग्रेशन होता है, वो थोड़ा साइज बढ़ जाता है, आसपास के एरिया के पास पहुंचने लगता है. स्टेज थ्री हम बोलते हैं अगर जहां पे ओरिजिनेट हुआ है वहां को छोड़ के अगर आसपास के जो लिम्फ नोड्स हैं वहां पे पहुंच जाए, बट लिमिटेड उसमें, यानी कि अगर एक लिम्फ नोड ही है तो वो स्टेज थ्री हम बोलते हैं यूजली. अगर स्टेज फोर में क्या होता है कि वो जहां से ओरिजिनेट हुआ है उस एरिया को छोड़ के, छोड़िया इन द सेंस उसके बाहर जाके आसपास के स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर देता है, या इवेंचुअली ऑफ कोर्स स्टेज फोर सी में जब ये पूरी बॉडी में फैल जाता है. मैम, व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव स्क्रीनिंग मेथड्स फॉर डिटेक्टिंग कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर? तो स्क्रीनिंग, पहले तो मैं ये बताती हूँ व्हाट एग्जैक्टली स्क्रीनिंग. तो स्क्रीनिंग हम करते हैं नॉर्मल या हेल्दी इंडिविजुअल्स पे, दे आर नॉट पेशेंट्स येट. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, जिसको पेशेंट को नहीं पता कि उसको कोई कैंसर का लक्षण है, लेकिन हम फिर भी उसके ऊपर कुछ टेस्ट कर रहे हैं ये जानने के लिए कि भाई कहीं आपको कैंसर तो नहीं है. तो इसके लिए जो टेस्ट होता है वो टेस्ट भी ऐसा होना चाहिए कि सिंपल होना चाहिए, पेशेंट को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एट द सेम टाइम इफेक्टिव भी होना चाहिए. एंड जैसा हमने डिस्कस किया, हर कैंसर के हर साइट डिफरेंट होती है, उसके लक्षण डिफरेंट होते हैं, उसके जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, वो डिफरेंट होते हैं. सिमिलरली स्क्रीनिंग मेथड्स भी डिफरेंट होते हैं. तो वी कांट यूज़ वन टेस्ट टू स्क्रीन होल बॉडी. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर देन इट हैज़ टू बी समथिंग एल्स, लाइक आपका मेमोग्राफी हो गई, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो गया. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट माउथ कैंसर देन ऑफकोर्स इट हैज़ टू बी स्क्रीन बाय अ हेल्थ पर्सनल, बिकॉज यू कांट इंस्पेक्ट ऑल द टाइम इन साइड योर माउथ एंड सम आर हिडन एरियाज, यू कांट सी फॉर योर सेल्फ. सो उनके लिए ये हो गया. प्रोस्टेट कैंसर अगर हम स्क्रीन करना चाहते हैं उसके लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन. अब हर पेशेंट को हम, आई मीन पेशेंट नहीं, इंडिविजुअल को, हर व्यक्ति को हम अगर सारे कैंसर के लिए स्क्रीन करना चाहें, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि स्क्रीनिंग जो है वो आप जस्ट एज एट अ लार्ज पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव एंड नो वन विल कम फॉर इट. बट there are certain guidelines जिससे कि लोग screening methods को adopt कर सकें. For example, breast cancer के लिए these are NCCN guidelines कि 40 years की age के बाद a female should undergo annual mammogram at least, and monthly or 3 monthly at least self breast examination होना चाहिए. Annually at least it should be checked once by the physician. Similarly, आपका oral cancer हो गया, it is not practical to screen each and every person. But those who are smokers, those who are chewed tobaccos, tobacco users, unka examination zarur hona chahiye by a health personnel. So for every cancer, different screening methods are available which can be used. Okay. So it depends upon the people and it depends upon the, like... Good thing is that most of the hospitals which have oncology services, they have screening, you know, health program kind of thing. So you don't have to really go as per your this thing ki chalo ye bhi check kara le mujhe. Usually they have this screening camps bhi lagte hain, camps bhi nahi bhi hote hain, to every hospital it is called active screening, ki aap apna opportunistic screening bhi kehte hain, jisme jaise aapke jo aap agar by chance for some other reason aap hospital visit kar rahe ho, aap apne liye bhi nahi ja rahe ho, koi aapka hospital mein koi admitted hai and you are just visiting a hospital, so you can go for screening, you can go to the oncologist, they will screen it for you. Okay. Cervical cancer, again we have pap smear which is recommended in after 40 years at least annually. So there are different screening guidelines for different cancers. Okay. And ma'am, jaisa aap bahut time se ek ye matlab oncologist hain, so kuch aise recent advancement ya phir kuch technologies aayi hain pichle 10
10 सालों में जिन्होंने कैंसर को और भी मॉडिफाई कर दिया हो, कैंसर को समझने में और कैंसर के इलाज में? डेफिनेटली अलॉट हैज़ बीन डन इन ओवर द पास्ट 10 ईयर्स. सो आई वुड स्टार्ट विद डायग्नोसिस. वी हैव बेटर मशीन्स टू डायग्नोस. एग्जाम्पल इज पेट सिटी. अगर मैं 10 साल पहले का आपको बात करूँ तो पेट सिटी वॉज नॉट इवन अवेलेबल इन ईच एंड एवरी हॉस्पिटल एंड इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. बट नाउ इफ़ यू सी ऑलमोस्ट एवरी हॉस्पिटल हैज़ द फैसिलिटी ऑफ पेट सिटी. एंड पहले कई बार सिंपल पेट स्कैन होता था. आजकल तो सिंपल पेट स्कैन की बात ही नहीं होती है. वी ऑल टॉक अबाउट पेट सिटी बिकॉज नाउ वी नो दैट पेट सिटी इज डेफिनेटली बेटर व्हेन यू कंबाइन पेट एंड सिटी स्कैन. सो पेट सिटी गिव्स द बेस्ट आइडिया एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल. कभी कभी इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन ईच एंड एवरी केस बट इन एडवांस केसेस यस इट इज़ हेल्पफुल. सम एग्रेसिव कैंसर इवन इफ दे आर स्मॉल इन साइज बट वी नो दैट इट हैज़ एग्रेसिव बायोलॉजी इज़ बेटर टू डू पेट सिटी. कभी कभी हम एडवांस कैंसर का ये सोच के चलते हैं कि हाँ भाई ये क्योरेबल है, सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है, अंदर गया हुआ है, बट आई थिंक वी कैन ट्रीट इट इफ पेट सिटी इज नेगेटिव. But when we do PET CT, we find that there is a small focus in the lung. Then the whole treatment changes. Then this was similarly for CT scan, MRI. There are a lot of changes which has happened over the years. We have better, technology behind these and machines. And we can say like in coming years as well, like it will still like upgrade. Yes, definitely. It will keep on upgrading. Definitely. We can say like health industry is growing only. Ma'am, what are the treatments available for cancer? So in general, there are three types. Variety or types of treatment. One is surgery, second is radiation therapy, and third is chemotherapy. Now immunotherapy, sometimes they call it fourth division or it's kind of a part of subspecialization. Subspecialization नहीं कहूँगी, but chemotherapy की ही line पे immunotherapy आता है. अब अगेन सर्जरी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इन जनरल सर्जरी में हम क्या करते हैं कि जो ट्यूमर है उसको निकालते हैं विद मार्जिन्स ताकि हमारा कोई भी रेजिडुअल सेल्स ना रहे. रेडिएशन थेरेपी में हम बाहर से रेडिएशन देते हैं जो आप अपने आई से विजिबल नहीं होता है बट इट वर्क्स ऑन द कैंसर सेल. एंड कीमोथेरेपी में हम कोई ड्रग देते हैं मोस्टली थ्रू जो आपके ब्लड के थ्रू जाती हैं, पूरी बॉडी पे काम करती हैं. कुछ ओरल ड्रग्स भी अवेलेबल हैं. सिमिलर केस विद द इम्यूनोथेरेपी. अब किस कैंसर में कौन सा ट्रीटमेंट इफेक्टिव है दैट योर ऑन्कोलॉजिस्ट विल टेल यू, क्योंकि इट वेरीज. दैट्स इट डिपेंड्स अपॉन साइट, इट डिपेंड्स अपॉन स्टेज, अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू इट. ओके. एंड मैम, जैसे कहते हैं कि बिकॉज मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स का इंटरव्यू करती हूँ तो सब डॉक्टर एक बात बोलते हैं कि लाइफ स्टाइल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ. सो आई वॉन्ट टू नो कि कैंसर में भी क्या हम न्यूट्रिशन ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे कौन से लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर? या थैंकफुली और व्हाट यू से फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, बट यस, 2/3 ऑफ द कैंसर्स आर लाइफस्टाइल रिलेटेड. व्हाई फॉर्चुनेटली? बिकॉज लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स मींस वी कैन मॉडिफाई लाइक यू सेड. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा मोस्ट कॉमन कैंसर है उसका जो रिस्क फैक्टर है वो है अगेन टोबैको कंजम्पशन. तो आपका इफ यू आर नॉट कंज्यूमिंग टोबैको इन एनी फॉर्म लाइक सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी, गुटका, पान मसाला या जो भी आपके इस तरह के च्यूड प्रोडक्ट्स होते हैं, और अगर आप अल्कोहल भी कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली 2/3 रिस्क तो आपका वैसे ही रिड्यूस हो रहा है. बिकॉज 2/3 ऑफ जो हमारे कैंसर्स होते हैं वो लाइफ स्टाइल रिलेटेड होते हैं और उसमें लाइफ स्टाइल रिलेटेड में सबसे ज़्यादा यही आता है. उसके अलावा ऑफकोर्स ओबेसिटी एक फैक्टर है, HPV इन्फेक्शन वो फैक्टर है. HPV इन्फेक्शन भी नाउ वी हैव वैक्सीन, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं. ओबेसिटी इफ़ यू अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अपना वेट का थोड़ा सा चेक रखें और आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, और जो आपका लाइक यू मेंशन अबाउट न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में क्या है कि नॉट ऑल कैंसर बट यस सम कैंसर्स आर न्यूट्रिशन रिलेटेड. जैसे आपका स्टमक कैंसर हो गया, कोलोन कैंसर हो गया. पॉपुलेशन स्टडीज़ हुई हैं उनके हिसाब से, दे हैव स्टडीज द पॉपुलेशन जिनका उन्होंने देखा है कि ओवर द ईयर्स उनमें जो कैंसर इंसिडेंस किस में ज़्यादा थी किस में कम थी. तो देखा गया है कि जो लोग फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और लेस अमाउंट ऑफ मीट कंज्यूम करते हैं, सो 3-4 सर्विंग्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी टेकन. और दोज हुआर एक्टिव, यू नो, एक्सरसाइज जिनकी होती है रेगुलरली करते हैं, देयर वेट इज़ अंडर कंट्रोल,
उन पॉपुलेशन में देखा गया है कि जो रिस्क का कैंसर है वो कम है एज कम्पेयर टू द पीपल हु कंज्यूम यू नो दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एल्कोहल एंड एल्कोहल तो चलो अलग ही बात होगी मतलब वो तो है ही रिस्क फैक्टर्स बट इवन रिलेटेड टू योर डाइट इट हैज बीन सीन दैट बिकॉज लाइक चाय कॉफी चाय कॉफी थैंकफुली इज नॉट अ कैंसरस ओके So we can say that like lifestyle factors are very important for a healthy life. Definitely. So ma'am, I have seen many many people जो पूरा lifetime smoking या drinking करते हैं but उनको कभी कोई problem नहीं होती है like cancer नहीं होता है कोई ऐसी major problem नहीं होती है and कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं बट उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है एंड वी हैव मतलब मैंने बहुत ज़्यादा सुना तो आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा कि व्हाई इट्स हैपनिंग टू मी व्हेन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग सो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ